हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पूर्णिमा। आज मैं बनाने जा रही हूँ करौंदे का गुरमा। इसके लिए सामग्री चाहिए, 1 पाव करौंदा है और 300 ग्राम के लगभग गुड़ है, 2 चम्मच घी है और थोड़ा सा इलायची पाउडर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक करौंदा है, करौंदे को हम इस तरह से कट कर लेते हैं और इसको चाकू की नोक से इसका जो बीज है उसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने चाकू की नोक से इसको बीज को निकाल लिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, पानी में अच्छी तरह से 2-3 पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसका जो बीज है ना अच्छे से निकल जाए। तो उसके बाद हम इसको, अब ये बीज निकल चुका है, अब हम इसको थोड़ा सा गर्म पानी में 1 मिनट के लिए उबालते हैं। ये देखिए, 2 कटोरी के लगभग हमने इसमें पानी डाले थे ताकि ये करौंदा अच्छी तरह से डूब जाए, तो इसमें हम डाल लेते हैं। इसको हम 1 मिनट ही उबालेंगे, बस थोड़ा सा एक भाप उबलेगा ना, उसके बाद फिर इसको गैस को बंद कर देंगे। देखिए, 1 मिनट इसको उबाल लेते हैं, ज्यादा नहीं उबालना है नहीं तो ये नरम, बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। इसको हम छान लेते हैं, इस तरह चलनी से हम छान लेते हैं। करौंदा बहुत खट्टा होता है, ये पानी में उबालने से क्या होता है, इसका खट्टापन थोड़ा सा निकल जाता है। अब इसको इस तरह से छान लिए हैं। अब ये कढ़ाई को हम गैस के ऊपर रख दिए हैं। अब इसमें हम घी डाल रहे हैं, थोड़ा सा घी डाल रहे हैं। अब घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम करौंदे को डाल देते हैं। तो 2-3 मिनट के लिए हल्का सा भून लेते हैं। इसके बाद ये भून चुका है, अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसमें हम पानी डाल लेते हैं और गुड़ को डाल लेते हैं। गुड़ को अच्छे से मिलाते हैं चम्मच से। एक गुड़ अच्छी तरह से घुल चुका है, अब इसको हम छान लेते हैं। देखिए, इसमें लग रहा है हल्का सा रेती लग रहा है, इसको हम छान लेते हैं। इस तरह से छान लेंगे, ये देखिए इसमें रेत है, इसको हम धो लेते हैं कढ़ाई को। चाशनी को फिर हम डालते हैं इसमें, इसके अंदर जो रेत है और जो भी कचरा है ये पूरा, ये देखिए हल्का सा ये निकल चुका है। अब इसको हल्का सा चिपचिपा होने तक के इसको हम उबालते हैं चाशनी को।
एक गुड़ गुड़ की चाशनी इस टाइप का, थोड़ा सा हल्का सा चिपचिपा हो गया है। इसको अब हम करौंदे को इसमें डाल देते हैं। अब इसको चम्मच चलाते रहते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से ये पक रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ज्यादा गलना नहीं चाहिए, ये परफेक्ट है। इसको 2-3 मिनट और इसको हम पकाते हैं। करौंदे को गुड़ में जो पकाया जाता है इसलिए इसे गुरमा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक व्यंजन है जिसे चावल की रोटी है, पराठा है, चीला है, अंगाकर रोटी के साथ इसे खाया जाता है। ये देखिए बनकर तैयार हो चुका है। ये थोड़ा सा देखते हैं और ये बन चुका है। 1 मिनट और हम इसको पका लेते हैं। इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। ये देखिए बनकर बहुत 5 से 6 मिनट लगा इसको बनने के लिए, तो बहुत ही अच्छे से हो चुका है, बन चुका है। आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। यदि पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मेरा नया वीडियो देख सकेंगे। थैंक यू।